मेला। और जैसा कि आप लोगों को खबर मिल गया होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि सोनपुर मेले में, विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में एक झूला जो था वो बदकिस्मती से टूट कर गिर गया था और जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। ये दुखद खबर तो है ही, लेकिन वो ये दिखाना चाहेंगे लोगों का हौसला। जो लोग मेले में आए हुए हैं, ये बगल में झूला टूटा है और यहाँ बगल में ये ब्रेक डांस वाला झूला है जहाँ पे लोग मज़े से, बच्चे जो हैं घूम रहे हैं, कुछ युवा भी हैं, लेकिन इन लोगों का हौसला हम देखना चाहेंगे। और बगल में यही देखिए, जो झूला टूटा था वही झूला एक बगल में भी है और वो भी अभी चल रहा है। खुश हैं झूला पे चढ़ने के लिए, मतलब कि मिसाल, मतलब कि होता है ना कि मिसाल देना पड़ेगा आप लोगों को इनके हिम्मत की, कि भाई बिहारी हैं, खतरों के खिलाड़ी हैं और ये मतलब कि अभी भी है। ऐसे में हम लोगों से पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि इन लोगों को तो झूला टूटने की खबर मिली होगी, चोटी लोगों की खबर मिली ही होगी, लेकिन क्या इतना कहाँ से ये लोग हिम्मत लाते हैं कि झूला पे चढ़ने की हिम्मत कर रहे हैं। तो आप झूला झूलने आए अंकल? देखिए ये अंकल भी झूला झूलने आए हैं और आपको पता है कि यहाँ पे हादसा हुआ था? नहीं पता है? आप भी झूला, ये यहाँ पे हादसा हुआ था, झूला टूटा था, आपको नहीं पता? हादसा सा हुआ था, फिर भी आप हिम्मत कर रही है? हाँ तो क्या करेंगे, लगा है तो उससे झूला ही है, उसका डर लगता है, उस पर नहीं चढ़ेंगे। हाँ तो आप आंटी का हिम्मत देख सकते हैं कि अब इनको पता है हादसे के बारे में, लेकिन फिर भी ये झूला झूलने के लिए आई है। तुमको पता है हादसे के बारे में? नहीं नहीं पता है? ये नहीं पता है वो झूला क्यों बंद है? हाँ तो पता है ना कि यहाँ पे हादसा हुआ था, लेकिन कैसा महसूस कर रही हैं कि इसके बाद भी डर नहीं लग रहा आपको? लग रहा है, डर लग रहा है, फिर भी एकदम खतरों के खिलाड़ी बन के, मतलब समझ रहे हैं इन लोगों के हिम्मत देख के, मतलब कि मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं कि मतलब कि इन लोगों को पता है कि यहाँ पे हादसा हुआ था, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोगों का एक्साइटमेंट देख सकते हैं आप चेहरे पे, कितना एक्साइटेड है झूला झूलने के लिए। आप भी झूला झूलने के लिए आई हैं? नहीं नहीं नहीं, मेला घूमने के लिए आई? हाँ मेला घूमने के लिए। सही है, कहाँ से आई हैं? नया गाँव। नया गाँव? नया गाँव। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ अभी हम जहाँ मौजूद है वो जायंट व्हील के पास हैं और यहाँ पे लोग भी यहाँ आपको बैठे हुए देख सकते हैं। इनसे पूछना चाहेंगे कि कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको पता है कि बगल में हादसा हुआ था? हाँ हादसा हुआ था, फिर भी आप यहाँ पे बैठे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं, डर नहीं लग रहा आपको? नहीं डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा। मैम जो डर गया वो मर गया। तो आप बिहार से हैं? यस आई एम। ओ मतलब कि बिहारी हैं और ये खतरों के खिलाड़ी? जी मतलब कि खतरों से खेलना चाहते हैं? खतरों से खेलना हमारा फितरत है, खानदानी है हम लोग। क्योंकि आप बिहारी हैं? क्योंकि हम बिहारी हैं। बिल्कुल, और कुछ कहना चाहेंगे? जी बस इतना ही। दूसरों को झूलने का सलाह देना चाहेंगे? एकदम, साल भर पे एक बार मेले आता है। Okay. और ये एशिया का सबसे बड़ा मेला है, तो जरूर जरूर। और ऐसे में हम झूले वाले भैया से भी पूछेंगे कि पहले हादसे से पहले और हादसे के बाद, मतलब कि यहाँ पे लोग जो है वो आने में, लोगों की भीड़ में कमी भी हुई है, तो भैया हम आपसे जानना चाहेंगे कि भीड़ जो है वो अभी भी उतना ही आती है जितना पहले आती थी? पहले उतने आते थे, जितना पहले आते थे उतना नहीं आ रहा है। उतनी अभी भी भीड़ में कोई कमी नहीं है, लेकिन जैसा कि झूले वाले भैया बता रहे थे कि अभी भी उतना ही भीड़ आती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी भी उतना ही भीड़ आती होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत सारा डब्बा जो है यहाँ पे आपको खाली दिख रहा होगा। मतलब कि लोगों में दहशत तो कहीं ना कहीं है, मतलब लोगों में डर तो कहीं ना कहीं है, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा खतरों के खिलाड़ी वो मतलब कि आ रहे हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि इन लोगों का भी अपना रोज़गार है, इनका भी धंधा पानी चले, लेकिन आप लोग आते हैं अगर झूले के शौकीन हैं तो ज़रूर आएँ, लेकिन अपना ख्याल रखें, थोड़ी
प्रिकॉशंस के साथ यहाँ पे आए और क्या एहतियात करते हैं। हाँ, और एहतियात, थोड़ा एहतियात बरते, सावधान रहें, सतर्क रहें। और हमारे बिहारी न्यूज़ के माध्यम से हम आपको यही सलाह देना चाहेंगे, यही कहना चाहेंगे कि आप मेले में आए, अगर झूले के शौकीन हैं तो झूला ज़रूर झूलें, लेकिन सावधान रहें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।